गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर नेम्स विद स्पेलिंग। तो बच्चों, सबसे पहले हमने नंबर्स काउंटिंग की प्रैक्टिस की थी और अभी हम उनकी स्पेलिंग की ओरल एंड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका भी फर्स्ट टाइम है स्पेलिंग लर्न करने का। तो बच्चों, पहले हम 1 to 5 की ओरल प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर देन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट स्टार्ट ओरल प्रैक्टिस। 1 O N E 1 2 T W O 2 3 T H R E 3। बच्चों, अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 3 की स्पेलिंग है ये थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसको आपको कैसे लर्न करना है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टी एच थ आर डबल ई री 3, इसको ऐसे लर्न करने से आपको जल्दी लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, 4 F O U R 4 5 F I V E 5। तो बच्चों, ये थी हमारी ओरल प्रैक्टिस, इसको आपको कम से कम 3 या 4 टाइम तक बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है और इनको लर्न करना है। और अभी हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी नोटबुक में 1 लिखना है, फिर नेक्स्ट बुक ब्लैंक रखना है। इसके बाद हम अपनी स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करेंगे और स्पेलिंग लिखते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 O N E 1 2 T W O 2 3 T H R E 3 4 F O U R 4 5 F I V E 5। तो बच्चों, ऐसे आपको इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों, ड्राइंग एंड कलरिंग में आपको मेरी लेफ्ट साइड में जो रेनबो की पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें विबग्योर कलर करना है। V means violet, I means indigo, B means blue, G means green, Y means yellow, O means orange, R means red। तो बच्चों, आपको इन सारे कलर्स का यूज करके रेनबो में कलर करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।